किसी क्लास में शिविर के बारे में, कैंप के बारे में चर्चा करने के लिए पहुंचा। बहुत सारे विद्यार्थी थे, चर्चा हो रही थी क्या होगा, क्या सिखाया जाएगा, कितना इंटरेस्टिंग है, ये सारी बातें हुई। सभी लोगों को पूछा गया कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है। सभी लोगों ने हाथ खड़ा किया, सब लोग बताने लगे हम सब लोग आना चाहेंगे। लेकिन एक लड़का जो पीछे बैठा हुआ था, ही वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछने की इच्छा हुई कि वो क्यों नहीं आना चाहता है। क्लास के बाद उससे बात हुई, बात होने का पता चला कि एग्जैक्टली एक साल पहले उसी दिन, जिस दिन कैंप का पहला दिन शुरू होने वाला है, उसी दिन उसके पापा का देहांत हुआ था। उसने कहा कि मैं सर साहस नहीं इकट्ठा कर पाऊंगा उस कैंप को आने के लिए, शायद मेरा परिवार बहुत बुरे समय से गुजर रहा है, हम सब लोग टूट चुके हैं और मैं नहीं हिस्सा बन पाऊंगा। मैंने उसे साथ दिया और ये कहना बेहतर समझा कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें। 10-15 दिन बीत गए, कैंप का पहला दिन आया, सब लोग इकट्ठा हुए, पार्टिसिपेंट्स आए, पहला सेशन शुरू हुआ, मंच पर डिलीवर करने के लिए मैं पहुंच गया और पहुंचने के बाद डिलीवर करते करते ऑडियंस पर मेरा ध्यान गया। उसमें से एक विद्यार्थी, एक लड़का वही था जिसने मुझे कहा था कि वो नहीं आ पाएगा। आज का वो दिन, पहला दिन उसके पिताजी के डेथ एनिवर्सरी, बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये बंदा कैसा ये निर्णय ले पाया। पूछा उसे, उसने सभी के सामने शेयर करने की इच्छा जताई। सभी लोगों के सामने आकर, पार्टिसिपेंट्स पे सामने आकर उसने कहा कि दोस्तों आज ही मैंने मेरे पापा को खोया है, इट इज वेरी टफ। मैं मेरे पापा को ट्रिब्यूट देना चाहता था, कैसा दू ये सोच रहा था। मेरे पापा अक्सर चाहते थे कि मैं सीखूं, अपने पैरों पर खड़ा हूं, परिवार की जिम्मेदारी लूं। मैं घर का बड़ा बेटा हूं, वो हमेशा चाहते थे कि मैं सीख कर अपना परिवार का ख्याल रखूं। आज वो नहीं है, लेकिन ट्रिब्यूट में सिर्फ उन अपने आंखों में आंसू लाकर नहीं देना चाहूंगा, सिर्फ कुछ फूलों को उनके तस्वीर के सामने रखकर नहीं देना चाहूंगा, बल्कि वो करूंगा वो जो चाहते थे। दोस्तों जिंदगी एक चुनाव है, अगर खत्म करने का सोचे तो वो अंत है और जीने का सोचे तो वो आरंभ है। दोस्तों देखिए, उसने अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय बड़ा साहस इकट्ठा करके लिया। हम सब लोगों के लाइफ में ऐसी कितनी सारी सिचुएशंस पैदा होती है जहां पर हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि उसी वक्त आप वो निर्णय लीजिए कि जहां पर आप लड़ना सोचे, उससे उस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोचे। ये ना सोचे कि मैं कभी बर्बाद हो चुका हूं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर सकता हूं। रादर ऐसा चुनाव करे जहां पर आप लड़े, लड़कर योद्धा बने, लड़कर योद्धा बने, क्योंकि जिंदगी एक चुनाव है और हम लोग लड़ने का चुनाव करें, क्विट करने का नहीं, भागने का नहीं। ना ही कभी कभी तो कुछ लोग सुसाइड तक का सोच लेते हैं, शायद वो जवाब नहीं है। जिंदगी को अगर जवाब देना है तो उसके साथ लड़कर दे सकते हैं। सिचुएशंस बुरी आती है और मैं समझ सकता हूं कितने सारे लोगों के जीवन में बहुत भयंकर कुछ नेगेटिव घटता है, लेकिन फिर भी उसमें से बाहर आने का चुनाव हम उस विद्यार्थी की तरह, उस लड़के की तरह कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने आप को मोटिवेट करें और सही निर्णय लें। थैंक यू सो मच।